हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ आशीष गुप्ता। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट फिफ्थ चैप्टर बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट इन कंप्यूटर साइंस क्लास 10। तो आइए देखते हैं बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। बूलियन अलजेब्रा एक प्रकार का लॉजिकल स्टेटमेंट होता है जो कंप्यूटर पर किसी सर्किट द्वारा आधारित होता है, जिसमें जैसे हम कोई भी स्टेटमेंट अगर देते हैं वो स्टेटमेंट सही है अथवा गलत है, तो इस डिस्कशन के लिए जो जो भी हमारे माइंड में लॉजिक आता है उसी के आधार पर बूलियन अलजेब्रा जो है डिस्क्राइब किया जाता है। तो बूलियन अलजेब्रा सन 1854 में फ्रांस के वैज्ञानिक जो है जॉर्ज बुल ने बूलियन अलजेब्रा की खोज किया हुआ था, और इन्हीं के नाम के आधार पर जॉर्ज बुल के नाम के आधार पर जो है बूलियन अलजेब्रा का नाम पड़ा। और इसमें इन्होंने बताया कि किसी भी पर्सन द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है वो स्टेटमेंट दो तरीके के होते हैं, एक तो सही हो सकता है दूसरा गलत हो सकता है। तो जो भी कंप्यूटर की जितनी भी सर्किट्स होती हैं जो वर्क करती हैं वो इन्हीं भी लॉजिक के आधार पर करती हैं कि वो स्टेटमेंट ट्रू है अथवा फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट ट्रू होगा तो 1 पर कार्य करेगा, अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो 0 पर कार्य करेगा। और जैसे स्टेटमेंट किस प्रकार से हो सकते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी वाक्य बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, जैसे हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क, जैसे कि आपने अपना कार्य पूरा कर लिया है। अगर कर लिया है तो हम इसका उत्तर जो है हाँ में दे सकते हैं, अगर नहीं किया है तो इसका उत्तर नहीं में दे सकते हैं। तो जो भी आंसर हम देते हैं वो क्या होता है, हमारा ट्रू अथवा फॉल्स होता है, यस और नो में होगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो क्या है, सार्वभौमिक सत्य होते हैं यानी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जिसे कोई भी उसको जो है गलत साबित नहीं कर सकता। तो ऐसे स्टेटमेंट जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी सार्वभौमिक सत्य है, इसे गलत साबित नहीं किया जा सकता। तो इसका स्टेटमेंट जो होगा वो ट्रू होगा जो कि वन पर कार्य करने वाला होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं गॉड इज वन, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, ये भी ट्रू है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको गलत साबित नहीं किया जा सकता। ये भी क्या होगा, जो भी स्टेटमेंट होंगे ये ट्रू स्टेटमेंट यानी वन पर कार्य करने वाले होंगे। तो बूलियन अलजेब्रा के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने कुछ विचारों को जो है रखते हैं और वो विचार क्या है, सही है अथवा गलत है, किस स्टेटमेंट में जा रहा है, इसी को दिखाना जो है बूलियन अलजेब्रा का वर्क होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिक गेट। तो आइए देखते हैं लॉजिक गेट क्या होता है। तो स्टूडेंट, लॉजिक गेट एक प्रकार का डिजिटल सर्किट होता है जिसमें इनपुट वोल्टेज जो है एक या एक से अधिक हो सकता है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो केवल एक ही होता है। और इनमें कुछ प्रमुख गेट्स जैसे एंड गेट हुआ, आर गेट हुआ, नार गेट हुआ, ये तीन जो है मेन गेट होते हैं लॉजिक गेट के। ये एंड, आर और नार तीन गेट जो है मेन गेट होते हैं। इसके बाद जो है एक आपका नैंड है, उसके बाद यक्सार है और यक्सनार है, ये जो होते हैं तीन जो है अलग प्रकार के गेट होते हैं जो इन्हीं तीनों गेटों से मिलकर के बने होते हैं। तो लॉजिक गेट में एंड गेट, आर गेट और नार गेट जो है किस प्रकार से वर्क करते हैं इसको जो है हम अगले टॉपिक में देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है लॉजिकल वेरिएबल। लॉजिकल वेरिएबल क्या होता है, लॉजिकल वेरिएबल की जो भी वैल्यू होती है वो केवल दो होती है, जैसा कि हमने अभी पिछले डिस्क्राइब में बताया कि 0 और 1,
ये दो वैल्यू होती है जो लॉजिकल वेरिएबल को जो है इंडिकेट करती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई वर्ड लिया a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7, और इसको हमको क्या करना है, वैल्यू ऑफ c निकालना है, यानी c इक्वल टू जो होगा a प्लस b होगा। तो a प्लस b यानी a, b और c जो भी है, ये क्या है, एक प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, और इन्हीं के माध्यम से हम जो भी स्टेटमेंट देते हैं, जैसे हमने कह दिया कि राम इज गोइंग टू आगरा, अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये चीज देखने के लिए हम क्या करते हैं कि वेरिएबल के आधार पर जो है उनको मैथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं। तो इसी आधार पर हम क्या करते हैं कि जो भी लॉजिकल वेरिएबल होता है उन्हीं के आधार पर एक ट्रुथ टेबल का निर्माण करते हैं। तो ट्रुथ टेबल क्या होता है, जैसे ट्रुथ टेबल टेबल एक प्रकार का लॉजिकल वेरिएबल होता है जो अपना आउटपुट जो है लॉजिकल सिस्टम के आधार पर जो है इंडिकेट करता है। जैसे हमने क्या किया कि दो लॉजिकल वेरिएबल लिया एक्स एंड वाई, अब उसमें जो भी स्टेटमेंट होगा या तो एक सही हो सकता है दूसरा गलत हो सकता है, यानी ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकते हैं। अगर लॉजिकल वेरिएबल दोनों फॉल्स है, अगर जीरो हम दे रहे हैं तो जीरो का मतलब है कि दोनों सही नहीं है। जैसे हमने कह दिया कि राम इज गोइंग टू आगरा, अब राम आगरा जा रहा है, अब या तो मैं सही बोल रहा हूं या फिर गलत बोल रहा हूं, तो जो भी स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं वो क्या है, सही है कि गलत है, यही स्टेटमेंट जो होगा या तो वो गलत दोनों हो सकता है बिल्कुल नहीं जाएगा, या फिर जा सकता है अथवा नहीं जा सकता। तो नहीं जा सकता के लिए जीरो, जा सकता है वन, यानी जा रहा होगा तो वन, अगर नहीं जा रहा होगा तो जीरो। तो इन्हीं स्टेटमेंट के आधार पे हम क्या करते हैं, अपना जो भी लॉजिक गेट होता है उनको, जैसे एंड गेट अगर हुआ तो एंड गेट को क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई करते हैं, यानी दोनों को जो है एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे। अगर आर गेट की बात करें, आर गेट हुआ तो एक्स इंटू वाई करेंगे, यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर देखेंगे उसका वेरिएबल कितना होता है। अगर नार गेट है, अगर नार गेट है तो ये नार गेट जो होता है ये एक्स रिवर्सिबल वाई होता है, यानी एक्स की जो वैल्यू होगी जस्ट उसका रिवर्स जो है वाई की वैल्यू होगी, यानी जो भी आउटपुट मिलेगा अगर वो जा रहा है तो उसका आउटपुट जो होगा नहीं जा रहा है, अगर नहीं जा रहा है तो उसका आउटपुट जा रहा है। तो ट्रू टेबल के माध्यम से केवल यही इंडिकेट करते हैं जो भी हमारी लॉजिकल वेरिएबल होती है वो किस प्रकार से वर्क करती है, उनको एक टेबल के माध्यम से हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, और उन्हीं को इंडिकेट करके हम बताते हैं कि हमारे जो सर्किट में एंड गेट है, आर गेट है और नार गेट है वो किस प्रकार से किस स्टेटमेंट पे वर्क कर रही है। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में जितना भी पढ़ाया गया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अगले दिन बात करेंगे लॉजिकल गेट में एंड गेट, आर गेट और नार गेट जो है किस प्रकार से वर्क करता है। धन्यवाद।